देखिए मैत्री शरण गुप्त की आगे आपने देखा जितनी भी कविताएं थी बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए, बीए सेकेंड ईयर हिंदी कविता, आप देखिए मैत्री शरण गुप्त आपके थे त्रिवेदी काल के। देखिए पहली कविता उनकी हमने आपको पढ़ाया था, दोनों ओर प्रेम पलता है, और दूसरी कविता थी मातृभूमि, और तीसरी मुझे फूल मत मारो, और चौथी कविता है आपकी कला। देखिए सभी का हमने समझा दिया है संदर्भ, मैथिली शरण गुप्त का संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत कविता, राष्ट्र कवि या सामंजस्य के कवि, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, मतलब जो कविता है उससे उद्धृत है। जैसे मुझे फूल मत मारो, इसमें उर्मिला के जो साकेत रचना है उसके नवम सर्ग से लिया गया है, और उसमें देखिए बताया गया कि एक मार्मिक वर्णन कि उर्मिला के चरित्र की गरिमा बताई गई कि कितनी भावनी है, कितनी पूज्यमान है, कि जिसके बलबूते वह काम का तिरस्कार कर देती है। इसमें मुझे फूल मत मारो में उर्मिला की भावनाओं का वर्णन किया गया है कि वो कैसे एक पतिव्रता नारी थी, जिसका त्याग जिसका समर्पण भी बहुत मायने रखता है, इसी का वर्णन था उस कविता में। अब दूसरी कविता है कला। कला से तो सभी लोग परिचित होंगे कि बिना कला के ये जीवन क्या है, बेरंग है। कला ही नहीं तो जीवन ही नहीं, सब में अलग अलग कला है। जैसा कि कला कविता मैथिली शरणगुप्त की है, और 2010 में मैंने भी एक कला कविता कला ही नाम से लिखी है, लेकिन इनका बाद में हमने पढ़ा कला कविता मैथिली शरणगुप्त की। थोड़ा सा इनको बता देते हैं कि कला से ही भरी जमी है, और कला ने ही हमने जीना सिखाया, और कला ही जो है वो सबको भरमाया। ऐसा कला के बारे में कहा गया कि बिना कला के ये जीवन है ही नहीं, और कला जो ऐसी है कि जो सबको आकर्षित करती है। जैसे कि देखिए इसमें कवि कहता है कला में कि कवि नित्य नवीन उद्भावनाओं को जन्म देती है। कवि की कला या कविता, जो कवि की कला क्या है, कविता ही तो है, ये कवि की कला है। इसमें कहता है कि वो एक नई रोज नवीन उद्भावनाओं को जन्म देती है। करुणा करुणा अपर दुख कातरता, दूसरों का दुख और संवेदना से इसका क्या होता है, जन्म होता है, जो कल्पना से संवर कर सुंदर मनोरम बन जाती है। जैसे हम एक कवि जब कविता रखता है तो उसके मन में तरह तरह की कल्पना होती है, जो संवर कर कविता का नाम आ जाती है। कहते हैं कि इसमें जीवन और जगत का कोई भी अनुभव ऐसा नहीं जो इसके माध्यम से व्यंजित न हो सके। जिसके हृदय में कला जन्म लेती है वह धन्य और अमर हो जाता है। जैसे कि आप देखे हैं कितने कवि या फिर कितने गायन, जिस एक नृत्य कला संगीत ये सब क्या है, कला के ही अंतर्गत आते हैं। आप देखे हैं कि कितने गायक थे जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर कितने मतलब संगीतकार थे, कवि लेखक थे, लेकिन मृत्यु के बाद भी वो आज अमर हैं, अजर और अमर हैं, जिनको हम याद करते हैं उनके कला के माध्यम से। देखिए यहाँ कहते हैं कि जिस चित्रकला गायन वादन नृत्य अथवा काव्य कला द्वारा अनेक रसों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। जैसा कि आपने काव्य में जानते हैं कि नौ रस हैं, कि नौ रस तो प्रसिद्ध ही हैं, विभिन्न देश की कला और साहित्य में वहाँ की संस्कृति जीवंत रूप में चित्रित होती है। कला और संस्कृति से ही दिखाई देता है, वहाँ की संस्कृति दिखाई देती है, जहाँ का वर्णन होता है। समाज में यत्र जहाँ तहाँ सर्वत्र देखते हैं कला का ही चर्चा होती है, चारों तरफ कला की चर्चा होती है, और मनुष्य प्राणी यहाँ तक कि पशु पक्षी भी कला के प्रभाव से विमुग्ध रहते हैं। देखिए कला का प्रभाव इतना है कि मनुष्य तो उसके में मुग्ध हो ही जाता है, पशु पक्षी भी मोहित हो जाता है कला से। देखिए कहते हैं अनुभूति की अभिव्यक्ति, इसमें इनके दुर्विनाद प्रभाव से जड़ भी चेतन बन जाते हैं। अनुभूति की अभिव्यक्ति ही कविता है, पहले यह हृदय में जन्म पाती है और फिर वाणी द्वारा अभिव्यक्त होती है। पहले वो हृदय में स्थान बना लेती है, जो कला जो जगह जो संवेदना है, पहले वो हृदय में जगह बनाती है, फिर वो वाणी से व्यक्त होकर कविता बन जाती है। अब देखिए इसमें कविता का कला में कहते हैं कि तभी उसका सृजन साहित्य कहता है। लोक जीवन
इसके अनुभूति की अभिव्यक्ति ही कविता है। पहले यह हृदय में जन्म पाती है, फिर वाणी द्वारा अभिव्यक्त होती है। लोक जीवन का सुख दुख कविता में ही वर्णन होता है। इसमें कवि के निजी जीवन का भी लेखा जोखा नहीं होता, मात्र अपने मंगल से न जुड़कर वह सीधे क्या करता है, लोक मंगल, लोगों के मंगल, लोगों के कल्याण के बारे में भी सोचता है और हमारे और सबके हित की बात करता है। तभी उसका सृजन क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। जो भी कविताएं आपके सिलेबस में आती हैं उससे ये नहीं कि वो आपका मनोरंजन ही करती है, बल्कि आपके हित की बात भी करती है, इसीलिए वो हमारे साहित्य में आती है, हमारे सिलेबस में आती है। इसमें तभी हमारे सद असद विवेक को जगाकर करणी अकरणी का भेद बताता है। चूंकि कविता संवेगों की अभिव्यक्ति है, अतः अनेक प्रकार के भाव विचार कवि की वाणी से प्रकट होते हैं। कविता का कला जैसे उनकी जो भाव है, जो उनके विचार हैं, जो उनकी वाणी उनकी कविता से सभी को मालूम होता है। जैसे कि हम किसी का देखते हैं प्रकृति, प्रकृति के बारे में बहुत वर्णन किया है तो कवि को देख के जान जाते हैं कि ये प्रकृति के बहुत समीप रहा हो, इसे प्रकृति में बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल बातें सोचते हैं, इनके भावों के बारे में हम पकड़ लेते हैं। और वहीं किसी की कविता में आप वेदना दर्द देखेंगे तो जरूर उसके कविता के माध्यम से हम समझ जाते हैं, उनके दर्द से समझ जाते हैं कि इनको संसार में या इनके सामाजिक या इनके जीवन में या पारिवारिक में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा संघर्ष जो उनकी भावना से, जो उनकी वाणी से मुखर हो रहा है, हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। अब देखिए कविता या कला में दुख भी मंगलकारी लगने लगता है। इसका अनुशीलन ब्रह्मानुभूति जैसा आनंद प्रदान करता है। कहते जहाँ जिस हृदय में कला का जन्म होता है वह अज्ञानी है तो ज्ञानी, अपाषाण है तो सहृदय बन जाता है, ऐसा कहा जाता है, कहा नहीं जाता, ऐसा होता है। कहते हैं कि जिसके हृदय में कला है, कला ने निवास कर लिया, कहते कला है उसको, हृदय में कला का जन्म है, वो अज्ञानी अगर है तब भी वो ज्ञानी कहला जाता है, पाषाण है तो उसका हृदय बन जाता है। वस्तुतः संसारिक माया जीव और ब्रह्म के मिलन में बाधक होती है, किंतु कला कविता रूपी माया परमानंद का साक्षात्कार करती है। कहते हैं कला ही ऐसी माया है जो ईश्वर से साक्षात्कार कराती है, और यही कारण है कि पूर्णचंद को छोड़कर भगवान स्वयं चंद कला को धारण करते हैं। कहते हैं यह कला की अपरिमित महिमा है, यहाँ पे करुणामयी, करुणा करने वाले, और कलित माने होता है सुंदर और सजित, सुंदर और सुसज्जित होता है। तम केस धरे अंधेरा, या तम माने होता है एक अंधेरा या काला, और कहते हैं कि केस धरे तेरी खिंची रेखाओं में क्या क्या अंकित नहीं हुआ। देखिए कला के बारे में यहाँ पे कवि कहता है कि कला आ नव नव निर्देश धरे, एक नया नया रोज इसका, कहते हैं यहाँ जो मैत्री शरणगुप्त रचित किए हैं कि यहाँ कविता का जन्म करुणा व संवेदना से होना बताया है। कहता है कि कविता हमेशा नया नया रूप धारण करती है, आ नव नव निर्देश धरे, नया नया रूप धारण करती है कविता कला। और कहते हैं कि यह करुणा से युक्त, सुंदर कल्पना से युक्त, कहते हैं आई करुणा कले कल्पना कलित तम केस धरे। इसमें कवि कहता है कि कविता हमेशा नया नया रूप धारण करके आती है, यह करुणा से युक्त, सुंदर कल्पना से युक्त, सुंदर काले बालों की तरह धारण करती हुई आती है। जीवन और जगत का कोई भी अनुभव, कहते तेरी खिंची रेखाओं में क्या क्या अंकित नहीं हुआ। कला के लिए कविता कहते कि तेरी जो रेखाएं खिंची हैं उसमें जगत का कोई भी भाग छूटा नहीं, क्या क्या अंकित नहीं हुआ, और चमक उठा हुआ भीतर बाहर ज्यों ही तूने जिसे छुआ। कहते हैं कि कविता कला जो है जिसको छूती है वो चमक उठता है। यहाँ जगत का कोई भी अनुभव ऐसा नहीं जो कविता से व्यंजित न हो सके। कविता सब कुछ समाहित होता है जिसके हृदय में कला जन्म लेती है। कहते हैं कि चमक उठा हुआ भीतर बाहर जो ही तूने जिसे छुआ, कला जिसके अंदर आ गई, सृजन जिसके अंदर आ गया, उसको जिसने ही छुआ वो क्या हुआ, वो व्यक्ति या वो चमक उठा। बहुरंगणी तेरे रंगों में कहाँ कौन रस कब न छुआ, उतर विश्व की आंखों पर तू देश देश का बेस धरे, आ नव नव देश धरे। देखिए यहाँ पे कवि यही कहता है कि तुम तो
जीवन और जगत का कोई भी अनुभव ऐसा नहीं जो कविता से छूट जाए। कविता में सब कुछ समाहित है। जिसके हृदय में कला जन्म लेती है वह धन्य और अमर है, और इसके माध्यम से भी विविध रसों की अभिव्यक्ति की जाती है। कहते हैं काव्य में उल्लिखित नवरस तो प्रसिद्ध है, प्रत्येक देश की कला और साहित्य में वहाँ की संस्कृति जीवंत रूप में वर्णित होती है। कहते हैं खुला चतुर्थी नील गगन सा चर्चा का चत्वर तेरा मतलब चारों कोण चौकोर चारों दिशाएं चारों तरफ तुम्हारा क्या है। ये चतुर्दिक नीला गगन एक कविता का विषय या चर्चा का विषय, ये पूरा नीला आकाश है। और चर्चा का चत्वर तेरा चर्चा का चारों दिशाओं में चत्वर माने होता है चौकोर। सुनते हैं कहते बहुरंग, यहाँ से देखिए, तेरी खिंची रेखाओं में क्या क्या अंकित नहीं हुआ, तूने जो रेखाएं खींची उसमें क्या नहीं अंकित हुआ, और चमक उठा हुआ भीतर बाहर जो ही तूने जिसे छुआ। कहते वो चमक उठा जिसको तूने छुआ है। और बहुरंगड़ी तेरे रंगों में कहाँ कौन रस कम न चुआ, तू तो बहुरंगी रंगड़ी है, बहु तेरे रंगों वाली है। यहाँ पे कहता है कि तुम तो मनुष्य में जिसके हृदय में कला जन्म लेती है, ऐसा कहता है कि वो सुंदर और जिसका जो कल्पना से संवर कर सुंदर मनोरम बनती है, और जीवन जगत का कोई भी अनुभव नहीं है जिसके माध्यम से व्यंजित न हो सके, और जिसके हृदय में कला जन्म लेती है। कहती चमक उठा जिसके हृदय में कला जन्म लेती है वो व्यक्ति चमक उठा वह भीतर बाहर जो ही तूने जिसे छुआ, जिसे ही छुआ या जन्म लिया जहाँ पे हुआ वह चमक उठता है। और बहुरंगड़ी तेरे रंगों में कहाँ कौन रस कब न चुआ। और कहते हैं कि यहाँ पे कि काव्य वर्णित में नौ रस कई रंग हैं, कई वर्ण है, जिस चित्रकला गायन वादन नृत्य काव्य कला अनेक रसों से अभिव्यक्ति की जा सकती है। विभिन्न देशों की कला और साहित्य में वहाँ की संस्कृति जीवंत, उत्तर विश्व की आंखों पर तू देश देश का वेश धरे, आ नव नव देश धरे। कहते हैं खुला चतुर्दिक नील गगन सा चर्चा का चत्वर तेरा, और सुनते हैं आह्वान मुग्ध से खग मृग भी सत्वर तेरा। कहते चारों दिशाओं में चारों नीले गगन आकाश में तुम्हारा ही चर्चा है, और तुम हर जगह विद्यमान हो। और सुनते हैं आवाहन मुग्ध कला का जो आह्वान, आवाज सुनकर पशु पक्षी भी क्या करते हैं, मुग्ध होकर सुनते हैं। और कहते हैं कि यहाँ कवि कहता है कि कविता नवीन रूप धारण करके आती है, और चारों तरफ नीचे आसमान के समान कविता की चर्चा होती रहती है। खुला चतुर्दिक नील गगन सा चर्चा का चत्वर तेरा। और समाज में कहते हैं कि सुनते हैं आवाहन मुग्ध से खग मृग भी सत्वर तेरा, और पूरे समाज में आवाहन तुम्हारी आवाज कला की चर्चा होती है। और मनुष्य क्या प्राणी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी कला के प्रभाव से विमुग्ध रहते हैं, कविता के प्रभाव से जड़ भी चेतन हो जाते हैं। कहते कविता का प्रभाव ऐसा है कि जड़ भी चेतन होते हैं, ऐसा अद्भुत सत्वर तेरा। कहते ऐसा तेरा अद्भुत सत्वर है कि अनुभूति कविता के प्रभाव से जड़ भी चेतन हो जाता है, और अनुभूति की अभिव्यक्ति ही कविता है। सर्वप्रथम यह हृदय में जन्म पाती है, उसके बाद वाणी द्वारा अभिव्यक्त हो जाती है। कहते कि जड़ भी चेतन होता है, ऐसा अद्भुत स्वर तेरा। और उत्तर विश्व की कंठ नली में सीधा हृदय निवेश धरे, उत्तर विश्व की कंठ नली में वाणी में आते हो पहले तुम, हृदय में निवेश करके वाणी द्वारा कवि के माध्यम से व्यक्त होते। यहाँ पे कविता के लिए कहते हैं कि उसके बाद वाणी द्वारा व्यक्त होता है, पहले अनुभूति होती है कवि को, अनुभूति की अभिव्यक्ति ही कविता है। सर्वप्रथम यह हृदय में जन्म पाती है, फिर इसके बाद वाणी में वाणी के माध्यम से लोगों के सामने आती है। देखिए ऐसा कला कविता के बारे में मत्स्य क्षणगुप्त ने बताया है कि ऐसा कोई भी कहते कि चमक उठा हुआ भीतर बाढ़ जो ही तूने जिसे छुआ, जिसको कला ने छुआ या कविता जिसके माध्यम से आई, आपने देखा है कला, वो चमक उठता है। और बहुरंगड़ी तेरे रंगों में कहाँ रस कब न चुआ, कहते हैं कि बहुरंग तोरे तो कई रंग है और कौन सा रस कब न चुआ। यहाँ पे कवि ने कला के बारे में कविता के बारे में वर्णन किया है। आगे कहते हैं कि आ आ नव निर्देश धरे, और फिर से नया नया निर्देश पकड़। अब इसके बाद देखिए मैथिली शरण गुप्त की कविता कला की अगली पंक्ति, जिसमें कवि जो कहता है कि कला है जो एक नया नया निर्देश रोज नया नया रूप लेती है। इसमें कवि कहता है कि
कविता के नवीन रूप जो धारण करती है, रोज नया नया रूप धारण करती है। इस अगली पंक्ति में है कि अपने ही अंतर की कोई किस प्रकार समझे बूझे। देखिए, इसका पहले आपने पढ़ा कि आ नव नव निर्देश धरे कला कविता मैथिली शरण गुप्त की, कि इसमें मैथिली शरण गुप्त ने जो कविता का नाम रखा कला, जो सबके अंदर विद्यमान होती है, जो इंसान को अज्ञानी से ज्ञानी बना देती है, और कहती है कि कवि यहाँ कविता में हमेशा नया नया रूप धारण करता है। कविता हमेशा नया नया रूप, आप मुक्तिबोध की एक कविता है कि मुक्तिबोध की कविता है बीए फाइनल ईयर में, उन्होंने भी कहा कि कविता ढूंढने के लिए कहीं जाते नहीं है। यहाँ पे देखिए मैथिली शरण गुप्त में है कि आ नव नव निर्देश धरे, एक नई कविता रोज नया नया रूप पकड़ लेती है, रोज नया नया उसको भाव मिल जाता है। और आप मुक्तिबोध की कविता है कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, एक पैर रखता कि 100 राहें फूटती। देखिए इसे पीयूष गोयल ने संसद में भी कहा था कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं। यहाँ पे मतलब कविता के लिए कि भाव जो चलते हैं वो मुझे कदम कदम पर ही हमारे पास, सारे साहित्य, सारे भावनाएं, सारे मेरे पास ही, हमारे अंदर ही विद्यमान हैं, हमारे आसपास ही हैं। यहाँ कवि कहता है कि नो विश्व, यहाँ कवि कवि कविता का हमेशा जो नया नया रूप धारण करके आती है उसमें कहते हैं कि यह करुणा से युक्त, सुंदर कल्पना से युक्त, सुंदर काले बालों को धारण करती हुई आती है, और जीवन और जगत का कोई भी अनुभव ऐसा नहीं है जो कविता से हट सके या व्यंजित न हो सके। कविता में तो सब कुछ समाहित होता है, और कहते हैं कि जिसके हृदय में कला जन्म लेती है वह धन्य और अमर हो जाता है। यहाँ पे कला तो सभी के अंदर होती है, कहते हैं कि कला से ही भरी, सबका अलग अलग तरीका है कि किसका कला, किसके अंदर कौन सी कला है। लोग बताते हैं कि बच्चों में देखते हैं कि ये बहुत अच्छा चित्रकला बनाता है तो इसका मतलब चित्रकार होगा, कविता लिखता है तो साहित्यकार होता है। और इसमें मतलब कि जो भी है सबके अंदर एक नए तरीके की कला है, और यहाँ कविता की बात करता है कवि की, जिसके हृदय में कला जन्म लेती है वह धन्य और अमर हो जाता है, और इसके माध्यम से वो विविध रसों की अभिव्यक्ति की जाती है। और कहते हैं काव्य में उल्लिखित नवरस तो प्रसिद्ध है ही, प्रत्येक देश की कला और साहित्य भी वहाँ की संस्कृति को जीवंत रूप में दिखाई देती है, सब जगह की कला, क्योंकि अपना गायन है, हमारी भाषा का अलग है, हमारी संस्कृति को बताता है, और किसी देश का दूसरी संस्कृति, वहाँ की कला अलग है। अब इसमें कवि आगे की कविता में बताया कि ये करुणा और संवेदना से होना बताया है, कविता का जन्म करुणा और संवेदना से बताया गया है, कि कहता है कि समाज में हर जगह कला की चर्चा होती है, मनुष्यतर प्राणी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी जो होते हैं वो कला से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, और कविता के प्रभाव से जड़ भी चेतन हो जाता है। अनुभूति की अभिव्यक्ति ही कविता है, जब अनुभूति होती है, जो हमारे मन में अनुभूति होती है उसकी अभिव्यक्ति हम जब सामने करते हैं वही हमारी क्या गति है, कविता हो जाती है। और इसमें सर्वप्रथम यह हृदय में जन्म पाती है और इसके बाद वाणी द्वारा अव्यक्त हो जाती है, और कविता का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, और हृदय में जन्म, और इसमें देखिए कवि कहता है कि कविता के विस्तृत स्वरूप का चित्रण है, और इसमें भाषा जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब दूसरी पंक्ति थी, अब कहीं पे है कि कविता आती है दबे पांव, खटखटाती है मन के बंद दरवाजे। जो कविता है वो आती है हमको बताने के लिए, हमारे मन की जो भावनाएं हैं, जो दरवाजे हैं उसको क्या करती है, खोल देती है। फीलिंग तो सबके अंदर आती है लेकिन कोई उसको व्यक्त करता है, कोई नहीं व्यक्त कर पाता है, और जो व्यक्त कर दिया, व्यक्त करके सामने वाणी से प्रस्तुत किया, वही उसकी कविता हो जाती है। देखिए अब इस पंक्ति में है कि अपने ही अंतस की कोई किस प्रकार समझे बूझे, कविता के माध्यम से अपने ही अंतस में, अपने जो अंतर मन में चल रहा है, कहते हैं ये कविता ही है जो हमारी कला ही है, जिसको हम अपने आप क्या कहें, समझते बूझते हैं। कहते इसमें कि किस प्रकार उत्साहित होकर अपने असुबों से जूझे, और किस कला से ही, ये कविता के माध्यम से ही उत्साहित होकर अपने असुबों से जूझे, जितना भी मतलब संघर्ष है उससे भी क्या करता है, जूझता है। कैसे राम और रावण का भिन्न मार्ग कोई सूझे, उतर विश्व की वाणी में तू आसंख्य आवेश भरे, आ नव निर्देश भरे। कविता को कहते हैं कैसे और राम और रावण में भिन्न है,
इसको बताना है, वो कविता के माध्यम से ही बताता है कि कैसे भिन्न मार्ग कोई सूझे। इसमें कवि कहता है कि कविता नूतन रूपों को धारण करके जन्म लेती है, कवि सबके हित की बात करता है, तभी उसकी सर्जना साहित्य कहलाती है। कवि जो है सबके हित की बात करता है, सबके हित की बात करता है, लोक मंगलकारी है, तभी वो कविता जो क्या होती है, साहित्य हो जाती है, साहित्य में आ जाती है। और कहते हैं कि कवि हमारे सद अमद विवेक को जागृत करता है, करणी और अकरणी में भेद प्रकट करता है कि क्या मुझे करना है। इसमें भेद समझे बूझे अंतने ही अंतस के कोई, अपने ही अंतस का कोई क्या करना है क्या नहीं करना है, ये समझने बूझने की शक्ति क्या है कवि के विवेक को क्या करती है, कविता जागृत करती है। अब कविता संवेगों की अभिव्यक्ति है, अब कविता जो है संवेग, जो हमारे अंदर आवेग संवेग होते हैं उसकी अभिव्यक्ति ही कविता है। और कहते हैं कि राम और रावण के भिन्न मार्ग के माध्यम से ही दिखाई पड़ते हैं और जगत की वाणी का रूप धारण करके कविता असंख्य आवेश को प्रकट करती है। राम और रावण के भिन्न मार्ग का माध्यम दिखाई पड़ता है, इन लोगों का भिन्न मार्ग कैसा है, कविता के माध्यम से साहित्य के माध्यम से बताया जाता है कि इनका मार्ग भिन्न कैसे है, राम का और रावण का। उतर विश्व की वाणी में तू आ संख्यावेश भरे, कहते विश्व की वाणी में तू उतर कर और जगत की वाणी का रूप धारण करके कविता जो है असंख्यावेश को प्रकट करती है। यहाँ कवि कहता आ न अनो निर्देश भरे, तुम नए नए रोज निर्देश कहते हैं कि नूतन रूपों को धारण करके जन्म लेती हो। अब किसकी कसक मोहिनी बनकर जन को अमृत पिलाती है, किसकी कसक मन में कहते हैं कविता कला में दुख भी मंगलकारी लगने लगता है। यहाँ लोक संगत के बात करते हुए कवि कहता है कि किसकी कसक मोहिनी बनकर जन को अमृत पिलाती है, तेरी भूमि पत्थरों पर भी किसके कमल खिला कितने कमल खिलाती है, तू वह माया है जो उल्टा हरि से हमें मिलाती है, नहीं चंद्र को चंद्रकला को सिर पर स्वयं भवेश धरे आ नौ नौ निर्देश धरे। देखिए यहाँ पे कवि कहता है कि किसकी कसक, जो मन में कितना भी दुख है, दुख भी क्या करता है कविता के माध्यम से या कला के माध्यम से वो कैसा लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है, कविता का अनुशूलन सहानुभूति और आनंद पैदा करती है। अब कला के माध्यम से कविता के माध्यम से दुख जो कसक भी होती है वो मोहिनी का रूप मतलब मन को क्या करती है मोहित कर लेती है, जन को क्या अच्छी लगने लगती है, किसकी कसक मोहिनी बनकर जन को अमृत पिलाती है और तेरी भूमि पत्थरों पर भी कितने कमल खिलाती है। यहाँ पे कवि कहता है कि कविता मोहिनी का रूप धारण करके इस जगत को अमृत का पान कराती है और यह पत्थरों पर भी कमल के फूल पुष्पित करती है और जिसके हृदय में कला जन्म होता है वह अज्ञानी ज्ञानी हो जाता है। कहते तेरी भूमि पत्थरों पर भी, तू पत्थरों की भूमि है, कहते संगीत और कला के माध्यम से उसको क्या करती है आकर्षित कर लेती है तो उस पर भी वो क्या करती है कमल खिला लेती है। ऐसा कहते जिसके हृदय में कला का जन्म होता है वह अज्ञानी है, तो ज्ञानी अपाषाण है तो सहृदय बन जाता है। असांसारिक माया जीवन और ब्रह्म मिलन में कविता बाधक होती है, कहते हैं कि सांसारिक माया जीवन और ब्रह्म मिलन में कला कविता रूपी परमानंद साक्षात्कार कराती है। कहते ये तो ऐसी माया है, तू वह माया है, आप देखे हैं कि कबीर और सबकी पंक्तियों में कि ये सांसारिक मोह माया क्या है, परमात्मा से ईश्वर से हमको क्या करती है, जायसी ने भी किया, कबीर ने भी कहा, अन्य कवियों ने भी कहा कि ये जो सांसारिक मोह माया है वो हमको क्या करती है ईश्वर से परमात्मा से दूर ले जाती है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि संगीत और कला और कविता एक ऐसी कला है जो तू वह माया है, तू वो माया है जो उल्टा हरि से मिलाती है, जो उल्टा ये ऐसी माया है जो क्या करती है परमात्मा से हमको मिलाती है, क्योंकि अंतस में जाके हमारी भावनाओं से जुड़ती है और संगीत के माध्यम से वो हमारे ये ऐसी माया है जो उल्टा हरि से मिलाती है, ये अलग नहीं ले जाती है, ये माया ऐसी नहीं है जो इससे अलग करती है परमात्मा से अलग, ये ऐसी माया है जो परमात्मा से मिलाती है, नहीं चंद्र को चंद्रकला को सिर पर स्वयं भवेश धरे। शिव जी को कहते हैं कि यहाँ पे कि कला कविता रूपी जो माया है वो परमानंद का साक्षात्कार कराती है, अब पूर्ण चंद्र को छोड़कर भगवान शिव स्वयं चंद्रकला को धारण करते हैं, यह कला की अपरिमित महिमा है। और कहते हैं कविता का नए नए निर्देश के साथ हमेशा जन्म होता है, ये हमेशा नया नया रूप धारण करती है कविता। कवि मैथिली शरण गुप्त इस कविता में
कला कविता में उन्होंने इसी का वर्णन किया है कि कवि की बाणी से अभिव्यक्त होती है, जो संवेग होते हैं कविता के, उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। अब मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ को प्रश्न बता देते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म आप पहले पहले वीडियो में आपने देखा होगा, मैथिली शरण का जन्म बताया गया था, और फिर मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम क्या था, मैथिली शरण के उपनाम क्या था, मैथिली शरण की प्रारंभिक रचनाएँ किस पत्रिका में छपती थी, वैश्विकारक पत्रिका में छपती थी। और आप देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है, साकेत है, यशोधरा है, भारत भारती है, और मैथिली शरण गुप्त में ने द्वापर की रचना की थी। साकेत इन पे इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है कि साकेत पर इनको मंगला प्रसाद परितोषिक पुरस्कार मिला था। और मैथिली शरण गुप्त राज्यसभा के सदस्य दो बार हो रह चुके हैं, और 1952 से सन 1964 तक राज्यसभा के कम से कम तक सदस्य रहे। और इनकी साकेत जो है, जो इनकी रचना साकेत है, उसमें कितने सर्ग हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है। साकेत में 12 सर्ग है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत इनमें से किस साहित्यकार की प्रेरणा देता है, कहते हैं मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में लिखा है कि किस साहित्यकार की भाषा या साहित्यकार हमारे लिए प्रेरणादायक, कौन से साहित्यकार रहे हैं या किसको इन्होंने साहित्यिक गुरु माना है, तो मैथिली शरण गुप्त को माना है। अब दोनों ओर प्रेम पलता किस कृति से है, मतलब साकेत शीर्षक, मतलब जो शीर्षक गीत का है वो किससे लिया गया है, तो साकेत से लिया गया है। और देखिए राष्ट्रकवि की उपाधि इन्हें किसने दी, मैथिली शरण गुप्त को इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। और इस मैथिली शरण गुप्त की कृति पूछा जाएगा, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए, ये पंक्ति किसकी थी, तो मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की पदवी किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने कहे थे कि उस समय महात्मा गांधी ने आदेश दिया था कि उनके कहने पर ही माना गया था कि साकेत की रचना हुई थी, कि जिसको जिस उर्मिला को उपेक्षित रखा गया, उसको काव्य में नहीं लाया गया, उनके कहते हैं कि महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने साकेत का वर्णन किया और उसमें उर्मिला को केंद्र में रखा। और कहते हैं वो करुणा क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। इसमें रचनाकार अगर पूछा जाएगा कि रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त। और फिर है मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आंचल में दूध और आँखों में पानी किसकी लिखी गई पंक्तियाँ हैं, तो यशोधरा की है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। यह कथन किसका है कि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रतिभा सबसे बड़ी विशेषता है कि कालानुसरण की क्षमता अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करने चलने की शक्ति है, तो रामचंद्र शुक्ल की है। आप देखते हैं अक्सर पंक्तियाँ आलोचक रामचंद्र शुक्ल को ही दिया गया है। अब इसके बाद आपको देखिए पढ़ाया जाएगा जयशंकर प्रसाद और उनकी कामायनी, और कुछ क्वेश्चन बनेंगे आपके इनसे मैथिली शरण गुप्त के। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त से प्रश्न भी बनता है कि इनकी अक्सर रचना में आपने देखिए उर्मिला का ही नाम सुना, एक नारी विषयक इनकी क्या धारणा थी मैथिली शरण गुप्त की, तो इससे क्वेश्चन आता है कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में नारी भावना को स्पष्ट कीजिए। अगर प्रश्न आता है मैथिली शरण गुप्त शरण गुप्त की नारी विषयक भावना, विषयक विषयक भावना को स्पष्ट कीजिए, ऐसा करके अगर प्रश्न आता है मैथिली शरण गुप्त की, तो इसमें देखिए इन्होंने नारी के प्रति तीव्र संवेदना और सर्वाधिक प्रबल विचारों ने गुप्त जी ने साकेत को आविर्भाव किया, और गुप्त जी को भारतीय नारी से अगाध श्रद्धा थी। इन्होंने देखिए यशोधरा में भी वर्णन किया है, द्वापर में किया है, और साकेत में भी नारी का वर्णन किया है, लेकिन तीनों में देखिए इन्होंने अलग अलग वर्णन किया है कि नारी के प्रति
इनकी अगाध श्रद्धा थी और द्विवेदी युग में नारी का तीव्र प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व साकेत करता है, जो द्विवेदी युग में जो नारी के प्रति क्या वर्णन था इसका प्रतिक्रिया ये साकेत रचना से होती है। और ये द्विवेदी युग की बहुत जाने पहचाने मैथिलेश्वर गुप्त प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। अब इसमें देखिए कि इन्होंने गुप्त जी ने नारी विषयक पंक्तियाँ उनकी धारणा को स्पष्ट करती है कि यशोधरा में थी कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी, ऐसा करके उन्होंने नारी को कमजोर ही नहीं बताया। और यह नारी का भले ही कोमल मातृत्व रूप हो और उसका दुखी रूप भी हो, पर गुप्त जी की नारी अबला ही नहीं सबला भी है। देखिए द्वापर में नारी का यही रूप उभर कर सामने आया है। एक ओर तो उन्होंने नारी पर लगाए गए बंधनों को यह कहकर विरोध किया कि नरकृत शास्त्रों के बंधन हैं सब नारी ही को लेकर, और अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही बैठे कर बैठे नर कहते अपने लिए सारी सुविधा के जितने भी बंधने थे, जितने भी आप अभी भी देखिएगा जितने भी व्रत हैं जितना भी कर्मकांड है वो सब नारियों के ऊपर है। अगर वो व्रत रहेंगी पतिव्रता नारी हैं तभी मानी जाएंगी जो अपने पति के लिए व्रत रखेंगी, लेकिन ये नर के लिए कुछ नहीं, क्योंकि नर अपने से ही पहले से ही अपने लिए सारी सुविधाएं कर बैठा, जो इनकी पंक्तियों में दिखाई देता है कि अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। और तो दूसरी ओर उनकी महत्ता स्थापित करने के लिए उसे नर से भी भारी सिद्ध किया है। एक नहीं दो दो मात्राएँ नर से भारी नारी कहते हैं यहाँ पे नर नर जिसमें नर जो है उसमें किसी भी मात्राएं नहीं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने इसको भी पंक्ति में कह दी कि एक नहीं दो दो मात्राएं तब भी नारी है भारी। इस पंक्ति से उन्होंने कहा कि कहीं भी एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। द्वापर में नारी की समस्या को व्यापक रूप से चित्रित किया। इसमें कवि ने विशोता नारी पात्र की कल्पना करके नारी की दयनीय शोषित उपेक्षित और असहाय व्यवस्था की मार्मिक व्यंजना की है। पुरुष के अत्याचारों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए कहा है कि अविश्वास हा अविश्वास ही नारी के प्रति नर का, नर के तो 100 दोष क्षमा है स्वामी है वह घर का, ऐसा कहा गया था उस समय द्विवेदी युग में। यहाँ मैथिलेश्वर गुप्त ने पंक्तियों में कहा है, लेकिन आज भी हम जो अब मात्र सत्तात्मक हो गया है लगभग लग रहा है, लेकिन फिर भी वर्चस्व किसका है, पुरुषों का है, क्योंकि वो घर का स्वामी माना जाता है। कहते हैं कि यह भी कहते हैं कि अधिकारों के दुरुपयोग का कौन कहाँ अधिकारी, कुछ भी स्वमत नहीं रखती क्या अर्धांगनी तुम्हारी। उन्होंने नारी के यथार्थ दुरावस्था को उन्होंने कई रूपों में उभारा। गुप्त जी के काव्य में नारी के विविध रूप परिलक्षित होते हैं। कहीं वह कुलवधू रूप में गृहस्थ की मर्यादा का निर्वाह करती है, तो कहीं गृह स्वामिनी कहीं वो प्रिय के आलिंगन में बद्ध होकर निवेदन करती है, और कहीं विरहड़ी रूप में अखिल विश्व की वीरांगना रूप में हुंकार भरती है, और कहीं पुत्र वत्सला रूप में स्नेह प्रेम वात्सल्य का पराग विकीर्ण करती हुई, और कहीं जनसेविका रूप में अपने अस्तित्व को समाज के लिए अर्पित करते हुए हमारे समक्ष उपस्थित हुई है। मैथिली शरण गुप्त ने नारियों की कई प्रकार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि और वास्तविकता यह है कि गुप्त जी की नारी स्वतंत्रता के पक्षधर ही नहीं वरन वे नारी के पूर्ण स्वतंत्रता के आकांक्षी रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। इसलिए नारी की बातों को लेकर उनकी बंधनों को पर उन्होंने चर्चा की। युग युग के पराक्रांता नारी के आंसू को पोंछ कर कवि ने उसे पुरुषों द्वारा स्नेह और सम्मान दिलाया है, जैसे उन्होंने उसको पुरुषों के बराबर मैथिली शरण गुप्त ने सम्मान दिलाया। जैसे कि आपने साकेत में उर्मिला को देखिए, उर्मिला को भी सामने लाया, लक्ष्मण का ही नाम था, राम का नाम था, लेकिन उर्मिला को उन्होंने ऐसी उपेक्षित नारी को भी सामने उसको उसका दर्जा दिलवाया। अब देखिए दंपति के सहज स्नेह और सौहार्द के परिणाम स्वरूप वह हृदय देवी का आसन ग्रहण करती है। कवि ने अबला शब्द का यथार्थ स्पष्टीकरण भी कहा है। इस शब्द के पीछे व्यंग के आक्षेप का भी प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण की उक्ति है कि अवस अबला तुम सकल बल वीरता, विश्व की गंभीरता धुल धुरता, बाल तुम्हारे एक बाकी दृष्टि पर मन रही है जी रही सृष्टि भर, कल्पवल्ली सी तुम्हें चलती हुई पाटती हो दिव्य फल फलती हुई। यह उक्ति नई युग चेतना से उत्प्रोत है। और उर्मिला के उत्तर द्वारा नारी के मन जिस निरीहता स्पष्टीकरण करते हैं उसे संवेदनशील पृष्ठभूमि का निर्माण करते उर्मिला का नारी मन कहता है कि खोजती हैं किंतु आश्रय मात्र हम
चाहती हैं एक तुम सा पात्र हम, आंतरिक सुख दुख हम जिसे धरें और निज भव भाव यूँ हल्का करें। एक नारी, एक उर्मिला की जो नारी मन है, जो उर्मिला है उसका जो नारी मन है वो खोजता है, कहते हैं कि खोजती है किंतु आश्रय मात्र हम, खोजती आश्रय मात्र हम, खोजती है आश्रय मात्र हम, चाहती है एक तुम सा पात्र हम। एक पात्र हम, किंतु आश्रय मात्र हम, चाहती है तुम सा एक पात्र हम, आंतरिक सुख दुख हम जिसमें धरें, आंतरिक सुख दुख हम जिसमें धरें, जिसमें धरें, आंतरिक सुख दुख हम जिसमें धरें और निज भाव भार यो हल्का करें, निज भाव हम हल्का करें। देखिए एक नारी एक अपेक्षा रखती है पुरुष से कि खोजती है किंतु आश्रय मात्र हम, कहते हैं कि खोजती है किंतु आश्रय मात्र हम, चाहती है एक तुम सा पात्र हम, ऐसे ऐसे पुरुष से एक आश्रय चाहती है जो तुम सा एक पात्र हम। लक्ष्मण के लिए एक नारी मन, उसका नारी मन कहता है कि आंतरिक सुख दुख हम जिसमें धरें, जैसे आंतरिक सुख हम जो दुख सुख और दुख दो हम जिसमें धरें ऐसा मन चाहिए और निज भाव हम हल्का करें, और एक दूसरे से कहकर अपना भाव भार जो है वो हल्का करें। भाव भार यहाँ रहेगा, भाव भार हम हल्का करें, जिसको सोच के यहाँ पे नारी कहती है कि नारी तो के सभी पक्षों का संस्पर्श करते हैं कि साकेत की नारियाँ पति और पुत्र की कल्पना कामना में सतत सक्रिय है, उर्मिला भात्र भाव की पूर्ति के लिए आत्मोत्सर्ग कर देती है और वही उदारता पूर्वक अपना भाग त्याग देती है, अप्रिय पथ का विघ्न न बनने का कठोर संकल्प करती है। यहाँ पे देखिए उर्मिला आप पूरा साकेत पढ़ेंगे, साकेत देखिए एक जगह का नाम है, अयोध्या में एक जगह का नाम है साकेत, जिसका वर्णन किया गया जहाँ पे मतलब उर्मिला थी, और इन्होंने कहा कि और नारी की वो धर्म चारिणी होने के लिए अटल अनुरोध करती है कि वो पति पत्नी की गति, पति की जो रास्ता है मार्ग है उस पर वो कभी बाधा नहीं बनेगी। इसका ये त्यागमय उर्मिला का त्यागमय वर्णन किया गया है कि वो प्रिय का पथ विघ्न न बनने का कठोर संकल्प करती है और सीता पति की धर्मचारिणी होने के लिए अटल अनुरोध करती है, उनके कथानुसार पति पत्नी की गति है, पति के गौरव से नारी का अर्ध भाग है और वनवासी जीवन में सीता इसी महत् उद्देश्य का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। अन्य नारियों को भी कभी समन्वित दृष्टि से देखता है, कौशल्या का करुण वात्सल्य, निराभिमान मातृत्व, दयनीय वैवध्य, सुसंवेद। देखिए आपने देखा कि साकेत जो मैथिली शरण गुप्त की थी उसमें चित्रकूट प्रसंग भी आता है, और सॉरी इसमें साकेत में जो कुटिया है वहाँ का वर्णन, वनवास में जितनी भी महिलाएं हैं सभी का वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने अपने तरीके से किया। साकेत की अन्य नारियाँ भी राज का क्षण भंग शरीरा घोषित करके पतियों और पुत्रों को सेना में सहर्ष भेज रही हैं। इस प्रकार नारियों की कर्तव्य निष्ठा, उनका अंतर्बोध, क्रियाओं उनकी असहिष्णुता का परिचय देकर कवि ने उन्हें भाव विभोर होकर श्रद्धा समर्पित की है, और संक्षिप्त रूप से कहा जा सकता है कि गुप्त जी ने अपने काव्य में नारी को उच्चतम स्थान प्राप्त किया है और उसे पुरुष की धात्री, संरक्षिका और प्रेरणा के साथ साथ पुरुष के कार्यों में सहायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। मैथिली शरण गुप्त नारीत्व को अत्यंत गौरवपूर्ण आसन और प्रतिष्ठित किया है साकेत में नारी भावना का। देखिए साकेत जो है ये नारी भावना का उत्कृष्टम रचना है जिसमें नारी के बारे में उन्होंने भली प्रकार बताया।